सब आज हमने करना है। नेक्स्ट ये जल आओ ना, ये लाइट 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 ऑन है। हमने नया टेंस करना है और वो है प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट। तो ऐसे फिक्रात, इस पर पहले गौर कर लें आप, गौर से इसे समझना आपने। ऐसे फिक्रात जिनमें ऐसे फिक्रात जिनमें एक काम हो चुका हो, ऐसे फिक्रात जिनमें एक काम हो चुका हो और उसका तसलसल जमाना मौजूद में जारी हो, यानी उसका तसलसल जमाना मौजूद में भी चल रहा हो, ऐसे फिक्रात जिनमें एक काम हो चुका हो और उस काम का तसलसल जमाना मौजूद में हो, जारी हो, ठीक है, तो वो फिक्रात प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के फिक्रात होते हैं। अब आपने इस बात को समझना है कि कैसे। देखिए दो सूरतें होती हैं, एक काम जो हो चुका तो उसका वो काम माजी में हुआ और माजी में खत्म हो गया, क्लियर। एक काम शुरू तो माजी में हो गया लेकिन वो अभी तक भी हो रहा है। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूं कि परविशा क्लास में आ गई है। आप बातें कर रही हैं, आपको कैसे पता चलेगा कि मैं क्या बता रहा हूं? तो फिर ये गलत बात है ना। फर्ज कीजिए मैं कहता हूं कि परविशा क्लास में आ गई है, अब इसका क्या मतलब कि वो आ चुकी है और अभी भी क्लास में ही है, क्लियर। अगर मैं कहता हूं कि इकरा कल क्लास में आई थी तो वो कल की बात थी, कल ही खत्म हो गई, क्लियर। वो प्रेजेंट परफेक्ट नहीं होगा। प्रेजेंट परफेक्ट वो होता है जिसमें एक काम हो गया और वो अभी तक वो हो रहा है, यानी उसी काम का तसलसल मौजूद है अभी तक। फर्ज कीजिए मैं कहता हूं कि वो बुरे वाला में वहां करता था, वो बुरे वाला में रहता था। दूसरा फिक्रा देखिए, वो बुरे वाला में रह चुका है। फर्क क्या हुआ? वो बुरे वाला में रहता था और अब वो दुनिया में मौजूद नहीं है, ये माजी की बात है, माजी में खत्म हो गई। अगर मैं कहता हूं वो बुरे वाला में रह चुका है, रहता था, अब भी वो रहता है लेकिन कहीं और, क्लियर, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट होगा। प्रेजेंट परफेक्ट वो जो है जिसका माजी में काम खत्म हो गया हो, वो सिंपल पास्ट होता है, यानी उसे पास्ट इंडेफिनिट भी कहते हैं। वो हम करेंगे इंशाल्लाह। ये वाला जो है ये प्रेजेंट परफेक्ट है कि जब काम एक हो चुका है लेकिन वो अभी जारी है, किसी ना किसी अंदाज में मौजूद है। फर्ज कीजिए मैं कहता हूं कि जनाब मैंने कल नाश्ता कर लिया था, बस वो बात नाश्ते की ही थी, कल के की वो खत्म हो गई। अब मैं कहता हूं मैं नाश्ता तो कर चुका हूं, नाश्ता कर चुका हूं, लेकिन अब मैंने उसके बाद कोई एक ऐसा और काम शुरू किया है जो उसी का तसलसल है। आप फर्ज करें कॉलेज के लिए तैयार हो रही है ना, ये आप हो रहे हैं, क्लियर। आप ये कहेंगे ना कि मैंने नाश्ता कर लिया है तो अब खत्म कर लिया, अब आपने या कॉलेज जाना है या कोई और काम करना है कॉलेज जाने के लिए। अब अगर कहते हैं मैंने कल नाश्ता कर लिया था तो वो तो बात वही खत्म होगी ना, आपके आने वाले किसी काम का तसलसल की जरूरत नहीं हमें जानने की। नहीं समझ आ रही बात की।
फर्ज कीजिए हम कहते हैं फलस्तीन और हमास की जंग शुरू हो चुकी है, इसका मतलब क्या हुआ? अभी जारी है। अब मैं कहता हूं दूसरा फिक्रा, पाकिस्तान और इंडिया की जंग 1965 में हुई, वो खत्म हो गई, वो पास्ट इंडेफिनिट था, ये प्रेजेंट परफेक्ट है। जहां से क्लियर ना हो बताना, ये आपकी सेंस क्लियर होनी चाहिए कि क्या होते हैं फिक्रात, क्या होते हैं टेंसेस। वो चुका है, चुकी है, चुके हैं, ये यही समझ आती रही है ना आज तक तो आपको, वो कोई अच्छी समझ नहीं है। लिखा ही दिया आपने कि काम जारी हो तो सेंस है। अच्छा जी, चलिए अब इसकी रेसिपी देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट की। सब्जेक्ट आती हो तो बोल पड़ा करें, प्लस क्या आएगा, हैज या हैव, सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस वी थ्री प्लस ऑब्जेक्ट। मसलन चले यही करें, फलस्तीन और हमास के दरमियान जंग शुरू हो चुकी है, लिखें 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 लिखें। जी बताइए, वेरी गुड, द वॉर हसीब क्या आएगा, दिन कहां से आया, दिन को लिखवाया मैंने कहीं कि द वॉर हैज स्टार्टेड बिटवीन पैलेस्टाइन एंड हमास, या आप वाला भी ठीक है, द वॉर बिटवीन पैलेस्टाइन एंड हमास हैज स्टार्टेड। मनफी हो तो सब्जेक्ट जी आगे बोले, ये जान जान सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस नॉट प्लस वी थ्री प्लस ऑब्जेक्ट। आपकी वीडियोस देखते हैं ना लोग, तो मुझे कई एक खासतौर पर कुरातुल ऐन और बाकी कई, कुरातुल ऐन का तो पता है ना मैडम, कुरातुल मिस कुरातुल ऐन पता है जरा आपको, गर्ल्स कॉलेज में आप पढ़ती तो रही वो, और मुझे और बहुत सारे जिन्होंने देखी कहते थे कि आपके ये स्टूडेंट्स एक्टिव बहुत हैं, क्विक रिस्पॉन्ड करते हैं, तो और ये बात है भी ठीक। आप लोग जी जी, तो सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस, फिर देखिए सब्जेक्ट हैज या हैव प्लस नॉट प्लस वी थ्री प्लस ऑब्जेक्ट। मसलन मेहमान अभी तक नहीं आए हैं, द गेस्ट हैव नॉट अराइव्ड येट, यस, जो नहीं आए हैं अभी तक हो ना, अभी तक नहीं, उसकी इंग्लिश आखिर में लिख दिया करें येट, द गेस्ट हैव नॉट अराइव्ड येट, वेरी गुड। नेक्स्ट यस नो क्वेश्चन, हैज या हैव लिख रहे हैं ना जी, इसके ऊपर, इसके ऊपर नहीं लिख रहे, पिछला रिमूव कर दिया करें ताकि वो ना आए उसमें। जी यस नो क्वेश्चन है, हैव या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस वी थ्री प्लस ऑब्जेक्ट। मसलन क्या आप चाय पी चुके हैं, हैव यू बॉयज, आप भी कुछ थोड़ा सा कसम तोड़ दिया करें, क्या
क्या आप चाय पी चुके हैं? क्या आएगा जी? हैव यू टेकन टी? अगर WH क्वेश्चन हो जी जी WH क्वेश्चन हो तो रेसिपी क्या होगी? WH एलिमेंट प्लस एज वेल प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। वेल डन मसलन, आपने ये ग्लास क्यों तोड़ दिया है? Why have you broken this glass? Why have you broken this glass? चले अब हम क्विक इसके पैसिव भी कर लें। पैसिव कब करेंगे? फिक्रा पैसिव में कब करेंगे? जब सब्जेक्ट एक्टिव नहीं होगा और वर्ब ट्रांजिटिव होगा। वेल डन। चलिए पैसिव में और फिक्रा तो रेसिपी होगी ऑब्जेक्ट पिछला रिमूव कर दे। ऑब्जेक्ट प्लस हैज हैव बोले ना बताए ना ऑब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस बीन DEEN ऑब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस बीन DEEN प्लस प्लस V3 प्लस V3 फिर देख लीजिए ऑब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस बीन DEEN प्लस V3। मसलन स्कूल बनाया जा चुका है। द स्कूल हैज बीन कंस्ट्रक्टेड। वेल डन। द स्कूल हैज बीन कंस्ट्रक्टेड। मनती हो तो जी रेसिपी पहले देख लें। ऑब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस नॉट प्लस बीन प्लस V3। मसलन उसे हॉस्पिटल में नहीं ले जाया जा चुका है। उस ले जाने की इंग्लिश होती टेक। ही हैज नॉट बीन taken to hospital. Good. Yes, no question हो तो recipe होगी has या have plus object plus been plus V3। मसलन क्या तमाम खिड़कियां टूट चुकी हैं? Have all the windows been broken? Well done. और अगर WH question हो have all the windows been broken? WH question हो तो रेसिपी होगी WH element plus has या have plus object plus been plus V3। तमाम windows क्यों टूट चुकी हैं? Why have all the windows why have all the windows been broken? Why have all the windows been broken? ठीक जी, थैंक यू वेरी मच जी।